नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा को दी गई जमीन का आवंटन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, इसलिए 12 हफ्तों के भीतर किसानों को जमीन वापस लौटा देनी चाहिए। दरअसल साल 2006 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली CPM सरकार ने टाटा को नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए यह जमीन दी थी। कोर्ट ने कहा कि जिन किसानों को सरकार की ओर से मुआवजा मिल चुका है, वे उसे वापस नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से उनकी कमाई का कोई स्रोत नहीं था। कोर्ट के इस फैसले को टाटा के साथ साथ वाम दलों के लिए एक जोरदार झटका और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के तौर पर माना जा रहा है, जिसने टाटा फैक्ट्री के लिए जमीन दिए जाने के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अधिग्रहण कई आधार पर कानून के मुताबिक नहीं था। आपको बता दें कि कानून को चुनौती देते हुए टाटा मोटर्स ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जमीन अधिग्रहण को ट्रायल कोर्ट ने सही ठहराया था और TMC सरकार द्वारा पास किए गए कानून को अपील के बाद असंवैधानिक करार दिया गया था। विवाद होने के बाद टाटा ने 2008 में अपनी नैनो कार की फैक्ट्री को गुजरात के सानंद में शिफ्ट कर लिया था। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।